Hey friends, I'm Sneha. Welcome back to my channel Easy Lifestyle. और friends, आज मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो भी स्विस ब्यूटी ब्रांड के ब्रश किट से, और लुक अच्छा लग रहा है और रिव्यू देखना है तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में दिया गया है। और फ्रेंड्स, इस तरीके से खुलता है और अंदर ग्लिटर, गोल्डन ग्लिटर का शीट दिया गया है इसके ऊपर, इस तरीके से पैकेजिंग की गई है। और है ये पाउडर ब्रश और फाउंडेशन ब्रश, जो बड़े ब्रश है, और फॉर जो ब्रश है वो है आई मेकअप के लिए आई ब्रश है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इसका पूरा डिटेल में रिव्यू देने वाली हूँ मेकअप करते हुए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है फाउंडेशन ब्रश और इस तरीके का ब्रश है, फ्लैट, ऊपर से फ्लैट है और जो ब्रश को कवर दिया गया है, जो रोज गोल्ड कवर है, आई डोंट नो स्टील है या क्या है, लेकिन बहुत ही अच्छे से कवर दिया है इससे ब्रश बहुत ही टाइटली, जो इसके जो रेशियो होते हैं वो निकलते नहीं है। और फ्रेंड्स, अच्छे से स्टडी है, बहुत ही मजबूत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए फाउंडेशन और वो है स्ट्रेक्योरिका, एंड इसके साथ साथ मेरे लिए मैबलिन का, दोनों फाउंडेशन को मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शेड उसका डल है स्ट्रेक्योरिका। और फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मैं पूरे फेस पर लगा के ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से स्मूथली ब्लेंड होगा, जैसे कि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड जैसे ब्लेंड करते हैं वैसे ही हो रहा है, उससे भी अच्छा, शायद मुझे तो उससे अच्छा लगा। मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन ब्रश मुझे ज़्यादातर अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये इतना अच्छा है कि मैं अब इससे ही मेकअप करूँगी ज़्यादातर। सो फ्रेंड्स, आप देखोगे पूरा हो जाएगा तब देखना कि बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है। और फ्रेंड्स, नेक एरिया पे भी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फेस और नेक का एरिया अलग अलग दिखेगा फाउंडेशन लगाने के बाद, मेकअप के बाद, इसलिए फेस के साथ साथ नेक एरिया पे भी फाउंडेशन लगाना उतना ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो बहुत ही सॉफ्टली लग रहा है, देख सकते हो, मैं पास से भी दिखाऊँगी आपको, और कहीं पे भी लाइंस नहीं लग रही, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है एकदम से। और फ्रेंड्स, देख सकते हो पास से बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन लगा है, जैसे कि बहुत ही नेचुरली स्किन हो आप खुद की वैसे ही। और फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ अब एलिगेंट प्रो का ऑरेंज कंसीलर, और मैं वो अंडर आई एरिया पे और लिप्स के आसपास जहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया है वहाँ पे अप्लाई करूँगी। और इससे भी मैं फाउंडेशन ब्रश से ही इसको ब्लेंड करूँगी फ्रेंड्स। और ये भी बहुत ही अच्छे से स्मूथली ब्लेंड होता है, देख सकते हो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ NYPK का ऑरेंज कलर कलेक्टर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो चुका है क्योंकि कैमरा फोकस नहीं कर रहा था उस टाइम और मुझे पता भी नहीं था, इसलिए तो नोज़ एरिया थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और इसको मैं उसी ब्रश से ब्लेंड करूँगी। और बहुत ही स्मूथली ब्रश ब्लेंड कर रहा है, आपको बाद में दिखेगा, पूरा वीडियो ऐसा नहीं है इसलिए फिक्र मत कीजिए। नेक्स्ट है ये पाउडर ब्रश और बहुत ही अच्छा है और अच्छे से वर्क भी करता है। और फ्रेंड्स, ये हर एंगल पे आपको अच्छे से काम करेगा, जैसे यूज करना है स्मूथली कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि इसके एंगल में आपको हाथ चलाना है, आप कैसे भी करके इसको यूज़ करोगे बहुत ही स्मूथली लगेगा। और इसके साथ साथ इससे आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो, पाउडर कॉन्टोरिंग, हाईलाइटर, ब्लश और कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते ही इस तरीके से अलग अलग काम कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसको अच्छे से क्लीन करके दोबारा से रीयूज़ कर सकते हो एक ही मेकअप में सारे ब्रशेज को, तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगी, आप डिटेल में देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोज़ पाउडर ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे आई मेकअप स्टार्ट करना है। और ये है फ्लैट कंसीलर ब्रश और इससे मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगा रही हूँ, कंसीलर की जगह आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छे से वर्क करता है।
फैलता भी अच्छे से और रैंस लास्ट में थोड़ा सा मुझे टैप करना पड़ा फिंगर से, वो भी ज़रा सा ही, लेकिन है तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, मुझे तो पसंद आया पर्सनली। सिर्फ इतना सा ही करना है लास्ट में और मैंने पाउडर से सेट कर दिया। नेक्स्ट है ए हाइलाइटर एंड आईब्रो के लिए जो यूज़ करते हैं वो ब्रश है। सो फ्रेंड्स, इससे भी आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एक ही मेकअप में अलग अलग तरीके से आप इसको थोड़ा सा क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है स्वीट ब्यूटी का आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो पाउडर और इससे मैं एंगल ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको अच्छे से फिल कर दूँगी। और फ्रेंड्स देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आईब्रो फिल हुआ है और अच्छे से सेट भी हो चुका है। और फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्लीन कर लोगे तो आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही आप क्लीन कर सकते हो। कोई भी वेट टिश्यू लीजिए या तो फिर गीला सा टॉल लीजिए जो अच्छा सा हो, उससे क्लीन कर सकते हो। और ये है मैंने कंसीलर किया था वही ब्रश, इसको भी अच्छे से क्लीन करने के बाद आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स देख सकते हो उसी ब्रश को क्लीन करने के बाद मैं कैसे यूज़ करती हूँ एंगल ब्रश को आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए और नेचुरल दिखाने के लिए। इस तरीके से मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, हल्का सा लेना है फाउंडेशन और उसको इस तरीके से यूज़ करना है। इसको अप्लाई करने के बाद हल्का सा उसी ब्रश से थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड कीजिए, उससे आईब्रो आपकी बहुत ही अच्छी और नेचुरल दिखेगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्मॉल आई शेडो फ्लफी ब्रश और इसको बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो इतने अच्छे से यूज़ किया है कि मैं अब इससे ही मेकअप करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने पिंक शेड लिया है और क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड किया है और स्मूथली ब्लेंड करता है, आपको हार्श भी नहीं लगता और बहुत ही सॉफ्ट है। आप जिस जगह पर ब्लेंड करना चाहोगे उसी जगह पर वो फोकस करेगा। इसी तरीके से मैं ब्लेंड करती हूँ और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेती हूँ। मैंने तीन शेड लिए है, पर्पल, पिंक एंड लवेंडर, तीन शेड से मैंने ये मेकअप लुक किया है, आप देख सकते हो। और मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप थोड़ा थोड़ा आई शेडो लिया है, इसको ब्लेंड किया है, फिर से थोड़ा लिया है, इस तरीके से मैंने ब्लेंड किया है क्रीज लाइन पे। तो दूसरा नंबर पे मैंने पिंक लिया, इसके बाद मैं लवेंडर शेड ले रही हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा पर्पल शेड लूँगी लास्ट में और वही पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज लाइन पे और आउट ऑफ वी पे और अंडर आई कॉर्नर पे, वहाँ पे इसको ब्लेंड करना है। बीच में मैं अलग से कोई शेड ले लूँगी जो आपको दिखाती हूँ। इसी ब्रश में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, जो कंसीलर ब्रश है उससे, जो पहले मैंने यूज़ किया था उसी कंसीलर ब्रश से मैं ब्लू आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, जो प्लेन ब्लू आई शेडो है। इसके बाद मैं उसके साथ रहा जो शिमरी ब्लू आई शेडो है उसको अप्लाई कर रही हूँ उसी ब्रश से। ऐसे ही कंसीलर ब्रश से मैं आई शेडो को आई बॉल पर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से जो शेड मैंने क्रीज लाइन पर अप्लाई किए थे वो थोड़े से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ दोबारा से लेके। इसके बाद मैं ले रही हूँ वाइट ग्लिटर लाइनर और उसको मैं आई बॉल पर अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा ब्रश। और ये बहुत ही अच्छा है ब्लेंडिंग में, जहाँ पे हमें स्मॉल ब्लेंडिंग करना है यानी कि अंडर आई एरिया पे या थोड़ी थोड़ी जगह पे, वैसे फ्लैट ब्रश है ये और हल्का सा आगे से फ्लफी है, स्मूथ है। तो आपको जैसे कि वाटर लाइन पे या तो कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करना है तो वो आप इससे कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये है जो मैंने आईब्रो सेट करने के लिए जो ब्रश लिया था आईब्रो फिल करने के, वही ब्रश लेके मैं फाउंडेशन लेके उसी ब्रश से मैं थोड़ा सा शार्प बना रही हूँ आई शेडो को। और इसके बाद मैं ले रही हूँ लैकमे का, ए
लाइनर, और इससे बहुत ही अच्छी लाइनर होती है फ्रेंड्स, जो बिगनर से वो ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं उसी जो आई शेडो सॉरी आईब्रो को फिल करने के लिए लिया था ब्रश, वही ब्रश लेके हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ आईब्रो के नीचे। और ये है फ्लफ़ी ब्रश जो अंडर आई कॉर्नर पे मैं इसको हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, जो फ्लफ़ी ब्रश जो मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल ब्रश है सारे, आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। और वही फ्लफ़ी ब्रश से मैंने जो हाइलाइटर अप्लाई किया था उसी जगह पे मैं इसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर ब्रश की हेल्प से स्वीट ब्यूटी का ये ब्लश, और ये बहुत ही स्मूथली लगता है फ्रेंड्स, देख सकते हो। किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको क्लीन करने के बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ इसी ब्रश से, और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है तुरंत ही। आप वेट टिश्यू लीजिए या कोई भी चीज़ लीजिए, गीला टॉवल लीजिए, कोई भी लीजिए, अच्छे से क्लीन हो जाएगा कोई भी ब्रश। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं लिप लाइनर लगाया स्वीट ब्यूटी का, इसके बाद हुडा ब्यूटी का मैट न्यूड शेड लगा रही हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं जो आईब्रो फिल करने के लिए ब्रश लिया था उससे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ लिप्स के आसपास, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हाइलाइट करना है। हाइलाइट करने से हमारे लिप्स बहुत ही अच्छे से दिखते हैं, यानी कि शेप में दिखते हैं बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट ब्यूटी की मस्करा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाई बी की ये सिल्वर लाइनर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा ये लुक कंप्लीट होता है। और एक बात की, ये ब्रश आपको लेना है स्वीट ब्यूटी के, तो बहुत ही अच्छे, एक एक ब्रश बहुत ही अच्छा है, थोड़े से कम है लेकिन आप इसको रीयूज़ कर सकते हो थोड़ा सा क्लीन करके। और फ्रेंड्स, कैसा लगा लुक अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और फिर से बताती हूँ ये बहुत ही अच्छे ब्रश है। बाय, गुड बाय, टेक केयर।